रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा सागर। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली अब 2 दिन बाद है, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। 2 साल से कोरोना से इस देश की आवाम जंग लड़ रही है, लेकिन बाजार के हालात क्या कहते हैं, आज हम बाजार से ही रूबरू होंगे। सबसे पहले सागर शहर की, हम मध्य प्रदेश के सागर में, सागर शहर की 70 साल पुरानी सराफा की दुकान से हम रूबरू होंगे। देखेंगे क्या मिजाज है बाजार का और बाजार किस अंदाज में चल रहा है। ये अब न्यू अप्सरा ज्वेलर्स है और हम जानेंगे कि भीड़ कैसी है और क्या मिजाज है बाजार का। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, 2 साल से लगातार कोरोना ने न सिर्फ बाजार को तोड़ा है, बल्कि लोगों की जो खुशियों का त्यौहार होता है दीपावली, उसमें भी खलल डाला है। अगर हम पिछले दीपावली की बात करें तो बाजार बहुत मंदा था, लेकिन इस दफ़ा कुछ राहत है। हालांकि महंगाई बहुत है और महंगाई में सागर ज़िले में जो सराफा है वो बहुत चर्चित है, यहाँ की चांदी बहुत चर्चित है। हम 70 साल से जो सराफा की दुकानदारी कर रहे हैं उनसे रूबरू होंगे और पूछेंगे कि क्या मिजाज है सोने का और क्या बोलती है यहाँ की चांदी। तो न्यू अप्सरा ज्वेलर्स से हम रूबरू होंगे अशोक अग्रवाल जी से। आप दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सागरवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 साल से बाजार जो है बिल्कुल नर्म पड़ा है कोरोना की वजह से, इस बार क्या गुस्सा देख रहे हैं बाजार में? देखो, कोरोना के काल से बाजार में नरमी तो आई है, लेकिन सोना चांदी की ऐसी धातु है कि लोग वाक भूखे रह जाएंगे, लेकिन सोना चांदी जरूर खरीदेंगे, क्योंकि ये सुहाग की निशानी, जैसे बिछिया होती है वो तो लेगा ही, जैसे नथ होती है, बेंदी होती है, तो लोग वाक लेते हैं। जिस प्रकार कहावत है ना, फूल नहीं तो पंखड़ी, इसी प्रकार अगर कोई हार नहीं ले रहा तो एक बेंदी तो जरूर ले रहा है, चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी कि 1 तारीख को तनख्वाही भी दे देंगे, बोनस भी दे देंगे, तो हम लोग उसी आशा पर बैठे हुए हैं और भगवान ने चाहा तो अच्छा चलेगा व्यापार। क्योंकि आप जो सोच रहे थे हम उसके विपरीत, यहाँ भीड़ भाड़ ठीक है, लोग आ रहे हैं, तो क्या ये जो न्यू अप्सरा का जो विश्वास है वो कब से कायम है? हमारी दुकान 70 साल पुरानी है और हमारे पिताजी स्वर्गीय शंकर लाल जी ने यही सिखाया है, ईमानदारी और समय। मैंने समय पे आर्डर पे सामान जो होता है ग्राहकों का, वो समय पे चीज़ मिल जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ईमानदारी होना चाहिए। सोने में सबसे बड़ी बात होती है ईमानदारी। सोना क्या है, पहचाना जाता है पहनने के बाद। जब लोग वाक सोना खरीद के ले जाते हैं, उदाहरण के लिए आपने एक अंगूठी ली, उसको 1 साल पहना, तो आपने देखा कि सोना बिल्कुल सही है, तो आप 4 लोगों को जोड़ते हैं, 4 लोगों से उसकी तारीफ करते हैं कि अप्सरा में जाना, वहाँ खानदानी दुकान है, ईमानदारी है, सही सोना मिलेगा। आज हमारे यहाँ भगवान की कृपा है, सागर वासियों का आशीर्वाद है, तो हमारे यहाँ तो ठीक ठाक चलता है। क्या ऑफर दिया है इस बार? इस हमारे मतलब हमारी दुकान पे हमारे पिताजी ने बोला था कि दीपावली के समय पहले ये परंपरा थी कि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के यहाँ मिठाई देने जाता था, लेकिन वो परंपरा धीरे धीरे ख़त्म होती गई, लेकिन हमारे पिताजी उस परंपरा को कायम रखते रहे कि हमारे ग्राहक आएँ तो उनको आप कुछ ना कुछ दिया करो। उनने अपने समय पे एक स्टील का डिब्बा दे देते, लेकिन समय बदला, तरक्की हुई, हम लोगों ने गिफ्टें बांटना चालू की, आज हम लोग भी बड़ी बड़ी गिफ्टें बांट रहे हैं, तो हर ग्राहक को गिफ्टें दी जाएगी हमारी दुकान। तो हम गुड़िया से भी जो है रूबरू होंगे कि कहते हैं कि जेनेटिक होते हैं, व्यापार की जो पढ़ाई होती है, बिजनेस की जो पढ़ाई होती है, उसमें MBA किया जाता है, लेकिन हम कहते हैं जो खानदानी मिजाज रहता है उसमें तमाम व्यापार की तकनीक सीख लेते हैं बच्चे और उसी अंदाज में व्यापार करने पर लगते हैं, कोई डिग्री या उसकी ज़रूरत नहीं रहती, ये जेनेटिक अनुभव होता है। एक बच्ची बैठी है अपनी दुकान में, बेटा आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपने बताया जेनेटिक होता है, पापा लोगों से, बड़ों से, दादा से, बाबा से सबसे सीखा है,
और उसी को हम लोग जनरेशन आगे बढ़ा रहे हैं। पापा लोगों से सीखते हैं, जैसा पापा लोग बताते हैं वैसा करते हैं। क्योंकि आप खुद युवती हैं, महिलाओं की जो गहनों में रुचि होती है, हाँ, अगर आप दो साल देखें तो क्या घटी है या कुछ और वजह रही, लेकिन अब उत्साह के साथ आ रही हैं महिलाएं? नहीं, उत्साह तो है, कोरोना के कारण थोड़ी कमी मतलब बाजार में दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी में लोग पसंद भी कर रहे हैं, लोग डिज़ाइन लेके आते हैं वो भी हमारे यहाँ पसंद करते हैं, बनवाते हैं, ऑर्डर पे सामान बनवाते हैं, सब टाइम से मिलता है, जैसा डिज़ाइन लोग बोलते हैं वैसा बनता है और मिलता है। आपके यहाँ बता रहे हैं कि बहुत सोने की जो शुद्धता है, जो विश्वास है, वो 70 सालों से कायम है। हाँ, 70 सालों से है, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, कई टाइम से पुराने ग्राहक जो हमारे बाबा के समय से जुड़े हैं उनको आज भी हम लोग देखते हैं कि वो आज भी बाकायदा उसी टाइम से आ रहे हैं। तो आप चूँकि अब पिताजी या पापा की पीढ़ी अब जो है आराम करने की आप चूँकि जिम्मेदारी आपकी है, तो उसको कायम रख पाएंगे आप लोग? कोशिश पूरी रहेगी कि जैसे लोगों में विश्वास पापा लोगों ने बनाया है वही विश्वास हम लोग जीत पाएंगे लोगों का। क्या नाम लिखते बेटा? अंकिता अग्रवाल। अंकिता, तो ये अंकिता थी और हमने बताया कि कोई बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं होती, जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स होता है उसमें बिजनेस के तरीके सीखे जाते हैं, लेकिन जो परंपरागत व्यापार एक परिवार है उनके बच्चे स्वतः ये बिजनेस सीख लेते हैं। तो हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, मध्य प्रदेश के सागर में सराफा अपनी अलग पहचान रखता है, यहाँ के डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय से तो जाना ही जाता है, डॉक्टर पद्माकर की नगरी से तो जाना ही जाता है, साथ में चांदी के व्यापार की वजह से भी सागर बहुत चर्चित रहा है। 70 साल पुरानी ये दुकान है और 70 साल पुरानी इस दुकान में ये बता रहे हैं कि विश्वास ईमानदारी की वजह से वो 70 सालों से उसी स्तर से आज भी बाज़ार में कायम है। बाज़ार चाहे टूटे, बाजार चाहे बिखरे, लेकिन जहाँ विश्वास होता है, जहाँ ईमानदारी होती है, जहाँ सोने के प्रति 24 कैरेट का विश्वास होता है, वही दुकानदारी चला करती है। और यही अंदाज है न्यू अप्सरा ज्वेलर्स का। कैमरे के पीछे नफीस खान थे, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ और ये आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ का बिजनेस पॉइंट देख रहे हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ कि वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।